लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सहारनपुर में कुदरत का डबल अटैक, मकान के गिरने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, भूकंप के झटके से मची अफरातफरी नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश से मकानों के गिरने का सिलसिला जारी है, इसमें भूकंप ने और इजाफा कर दिया। शनिवार की सुबह यूपी के मुजफ्फरनगर में 3.5 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन झटका महसूस होते ही लोगों में अफरातफरी मच गई और वे अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं सहारनपुर के गंगोह मोहल्ले में एक मकान के गिर जाने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण मकान की नींव कमजोर हो गई थी। गौरतलब है कि गंगोह मोहल्ला में फैजान नाम के शख्स का मकान भर भरा कर गिर गया। मकान के गिरने से मलबे में कई लोग दब गए। ताज़ा जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है, इसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पूरे इलाके में अफरातफरी का माहौल है। यहां बता दें कि इससे पहले भी यूपी के ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के अलावा मैनपुरी में भी बारिश की वजह मकानों के गिरने से कई लोगों की मौत हो गई थी। शुक्रवार को भी भारी बारिश के चलते एक मकान के गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं बारिश के साथ आकाशीय बिजली के गिरने से भी 27 लोगों के मरने की खबरें आई हैं।